Assalamu alaikum friends, welcome to MaawaWorld, my YouTube channel, and welcome to Gmail training. Today we will discuss how can change the themes and inbox types. So let's start karte hain ki themes ko kaise change karte hain Gmail mein aur inbox ki type kaun kaun si hai. Theek hai, to sabse pehla kaam jo aap karein wo yahan pe setting pe click karein. थीम्स में जाएं, थीम्स में क्लिक करें. तो थीम्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें आपके पास पिक्चर्स हैं, काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं जो आपको चाहिए. अगर आपको मोड पिक्चर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके आप मोड पिक्चर भी ले सकते हैं. ठीक है, जिस टाइप की भी आपको पिक्चर चाहिए हो. तो मोड में यह है कि यहाँ माई फ़ोटोज़, अगर आपके अपने को फ़ोटोज़ हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं. यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर सकते हैं. तो नॉर्मली जो पिक्चर्स है यहाँ पे देखें, ये थीम्स वाली पिक्चर्स हैं. यहाँ पे आप क्लिक करें, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे हम क्लिक करते हैं तो देखें ये थीम्स चेंज हो गया. थीम इस तरह के, जब थीम चेंज होता है तो बाकी किसी चीज़ पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपका, कोई इनबॉक्स की कोई चीज़ को आगे पीछे कोई चीज़ आपकी चेंज नहीं होती, जस्ट बैकग्राउंड की पिक्चर चेंज होती है. ठीक है, तो नॉर्मली जो जीमेल का है डिफ़ॉल्ट थीम वो नॉर्मल ये है. आप वापस, अगर नॉर्मल आप ये नॉर्मल रखना चाहें तो आप नॉर्मल भी रख सकते हैं. वापस पे क्लिक करें तो देखें वही चीज़ वापस आ गई, तो सेव कर दें. ठीक है, इस तरह आप इसका थीम्स चेंज कर सकते हैं. तो इसके अलावा जो हम देखेंगे वो है इनबॉक्स टाइप्स, इनबॉक्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं. तो इसी तरह सेटिंग पर क्लिक करें, क्लिक करके आपके पास सेटिंग ओपन हो जाएगी. तो यहाँ पे देखें इनबॉक्स, इनबॉक्स पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे इनबॉक्स टाइप इम्पोर्टेंट फर्स्ट, डिफॉल्ट, अनरीड फर्स्ट, स्टार्ट फर्स्ट, प्रायोरिटी इनबॉक्स. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास डिफॉल्ट है तो इस तरह का आएगा. अगर इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट पर आप क्लिक करें तो इम्पोर्टेंट पे क्लिक करने के बाद आप नीचे शो मार्कर्स, नो मार्कर्स, शो मार्कर्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे आप सेव चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा आपके पास अनरीड फर्स्ट है, स्टार्ट फर्स्ट है, जो भी आप रखना चाहें, और एक प्रायोरिटी में इनबॉक्स है. ठीक है, तो ये आई थिंक बेस्ट है. तो इसमें देखें इम्पोर्टेंट एंड अनरीड मैसेज, ऑप्शन में देखें क्या क्या आ रहा है. इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट अनरीड, इम्पोर्टेंट अनरीड, स्टार्ट, शो अप टू 5 आइटम्स, 10 आइटम्स, 25 आइटम्स एंड 50 आइटम्स. ठीक है, तो फर्स्ट वाला ही आप रहने दें, इम्पोर्टेंट एंड अनरीड दोनों आपके पास शो होंगे. फिर स्टार्ट में क्या होगा, स्टार्ट वाले जो मैसेज होंगे, स्टार्ट इस तरह ही अप टू शो एंड एम्प्टी. एम्प्टी में भी आपको अगर सिलेक्शन करना चाहें कि इम्पॉर्टेंट रखना चाहें, अनरीड रखना चाहें, स्टार्ट रखना, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं. एवरीथिंग एल्स इसमें जो आपके, इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट और स्टार्ट और इसके अलावा जो बचेंगे वो आपके एवरीथिंग एल्स में जो बचेंगे वो सारे उसी में चले जाएंगे. ठीक है, इसको भी आप रख लें, शो अप टू 5 आइटम्स रखेंगे, 10 आइटम्स, 25 आइटम्स. ठीक है, जितने भी आप रखें आर हाइड सेक्शन वैन एम्प्टी. ओके, तो यहाँ पर आप क्या कर दें, सेव चेंज, इस पर आप क्लिक करके इसको सेव कर लें. देखें आ गया इम्पोर्टेंट एंड अनरीड मैसेज आपके पास, ये वाले आ गया. अगर स्टार्ट में कोई मैसेज आपका है तो स्टार्ट में आ जाएगा. एवरीथिंग एल्स इसमें जो आपके बाकी बचेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे. तो ये काफ़ी बेहतर है दूसरे की नस्बत. ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, थीम चेंज एंड इनबॉक्स टाइप्स. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. इंशाल्लाह मिलते हैं जीमेल के नेक्स्ट लेक्चर के साथ. तो अपना ख्याल रखिएगा. बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.